जी वेलकम बैक। अच्छा जी, जंगल स्काउट देख रहे थे हम लोग। मंथली रेवेन्यू 21,001, 19,002, 14,003 और ये 4, इन दोनों का मिसिंग है। इन दोनों का मिसिंग है। चलें जी, वही प्रोडक्ट है तो इसके सेम होंगे, लेकिन हम इसको क्लियर करते हैं, इसको अलग से ओपन करते हैं, ठीक है। और फिर इसका हम बाकायदे से मंथली रेवेन्यू चेक करते हैं कि वाकई क्राइटेरिया को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक हो गया? अगर हो रहा है तो फिर आगे चलेंगे। ठीक हो गया? ओके जी। रेटिंग रेटिंग जो असल है इसकी 1 और ये 2, 2 के बाद ये ऊपर ये 219, थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, लेकिन चलें ठीक है, ठीक है, कंसीडर किया जा सकता है थोड़ा सा आगे जाने के लिए कि चलो मजीद देखें इसमें चीजें क्या हैं। लेकिन यहाँ तो हमें पहले ही पता चल चुका है कि कंपटीशन बहुत हाई है, क्योंकि पीएल में पीपीसी नहीं की तो फिर क्या किया, ठीक है। रैंकिंग बहुत अच्छा जरूरी है। जी मैडम, सर, इस प्रेजेंटेशन में कंपीटिंग प्रोडक्ट्स नंबर शो नहीं हुए हुए। आई थिंक मैम राबिया ने भी नहीं शो किए हुए, सर ने भी नहीं किए हुए। वो भी क्राइटेरिया का हिस्सा है, जी उसको जी भी हाँ शो किया करें। कंप्लीट जी फाइल पूरी पूरी बनाते जाए ना, कुछ जी भी जी मिस जी ना करें। जी 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 वो जो तो इसमें शुरू शो ही नहीं कराए होंगे। सॉरी, शायद इसने शो ही नहीं करवाए होंगे। हम नहीं, जब आपने मेन कीवर्ड निकाल के अमेज़न पे सर्च किया था, तो जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स नंबर आ रहा था ना, यहाँ पे आता है, तो वो भी थोड़ा सा मेंशन करना था। जी, वो मैंने नोट किया हुआ, 241। ठीक हो ठीक गया, गया, ठीक है, सही, ठीक हो फिर गया। ठीक है। अच्छा, अब तो ये तो असाइनमेंट था, तो इस वजह से ठीक है ना। नेक्स्ट जो आप लोगों के असाइनमेंट्स बनेंगे ना, उसमें जो पिछली सारी चीजें आप करते आ चुके हैं उसको भी आप इसको फॉलो करें, है ना, ठीक है। अभी ये दो असाइनमेंट हमने देखी हैं, बहुत अच्छा लगा है, इन्होंने सारी चीजों को दोबारा रिवाइज किया है, खासतौर पर ये सर उस्मान ने, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कंप्लीट करते हुए, क्योंकि आप जो है वो यूज टू हो जाए, ताकि आप अपने क्लाइंट को भी ये चीजें प्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, जहां तक आ गए थे हम लोग, रेटिंग अच्छी है, ठीक है। और ये रेटिंग, सॉरी, रिव्यूज की थोड़ी देर पहले देखे थे, दो बंदे हैं, ठीक है, तीसरे इसको थोड़ा बहुत कंसीडर कर रहे हैं हम। अच्छा जी, 4 अच्छी नहीं है रेटिंग, ये 4 ये भी अच्छी नहीं है, बाकी ठीक है, मतलब एवरेज ठीक है। एवरेज का वैसे हमने नॉर्मल बताया कि 7 आपके इस तरह के होने चाहिए जो कि आपको एवरेज दे रहे हो सेम कंडीशन में, ठीक है। अच्छा जी, फीसेस बहुत हाई हैं, लेकिन ये प्राइस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसकी कम है, इसकी ठीक है, चलें ठीक है, जैसी प्राइस है फिर ऐसी फीसेस भी है, ठीक है। ओके जी, ऑटोमेटिव, फिर स्पोर्ट्स एंड बेसिकली होगा ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर का, ऑटोमेटिव वाले जो है ना इसके अंदर आए हुए हैं किसी तरीके से, ठीक है। चले जी, नहीं सर, है ये ऑटोमोटिव का, लेकिन उन्होंने स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में इसको डाला हुआ है। अच्छा, फिर पता है क्या, ये असल में इस तरह होता है, इनको फीसेस इसलिए भी ज्यादा लगती हैं, जो गलत कैटेगरी डालता है वो फिर उनकी जो है ना, असल में देखी जाती है कि प्रोडक्ट किस, हमें हमें वैसे नॉर्मल भी पता चलता है कि ये किस चीज की वो प्रोडक्ट है, किस कैटेगरी की है, ठीक है। अब ये तो देखने के बाद ही पता चलना है, ठीक है, चलें। बाकी पीपीसी में आप ये कैटेगरीज को बहुत अच्छे से आप लोग आगे जाके समझ जाएंगे कि ये क्यों कैसे चेंज होती हैं, ठीक है। या आप अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम भी चेंज करते हैं, फिर बाद में भी इसको आप जिस कैटेगरी में रैंक करवाना है उसमें भी आप कर सकते हैं, और हो जाती है, ठीक है। चले जी, ओके, गुड इनफ, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, गो बैक। अच्छा जी, 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये छठी हो गई, ठीक हो गया, 6th one, ओके, लेट्स सी।
नीचे से स्टार्ट हो रहा है, इसको ऊपर लेके चलते हैं, यहाँ से होगी प्रोडक्ट रिसर्च जी। अच्छी है, जबरदस्त। एमसी सजेशन एक्सपेंडर ठीक हो गया, किचन है, सीपीआर लेस देन 100, ओके, सर्च वॉल्यूम तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, कंपीटिंग रिजल्ट्स भी इन्होंने मेंशन किए हैं, लेस देन 500, वेरी गुड, सीपीआर का भी बताया है, लेस देन 100, हाँ जी, इस तरीके से लिखा करें कि मोर देन या लेस देन, ठीक है, एक्यूरेट फिगर कभी भी ना दिया करें। ब्रांड के बारे में कह रही है डोमिनेशन नहीं है, अमेज़न की डोमिनेंसी भी नहीं है, ठीक है। सीजनल एंड ट्रेंडी, मतलब सीजनल है एंड ट्रेंडी, पीएल के लिए आप लोग फोकस किया करें कि सीजनल और ट्रेंडी नहीं हो, होलसेल में चलती है, हाँ चलें, खैर ये प्रॉब्लम है इधर, आगे चल के देखते हैं ये क्या है। सजेशन एक्सपेंडर इन्होंने चलाया, ये ठीक है, उसकी तस्वीर है, प्राइस, ये स्क्रीनशॉट इन्होंने बहुत बेहतर लिया, 616, ठीक है, लो प्राइस, हाँ अच्छी प्राइस है, ठीक है, 39, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बहुत अच्छा रेवेन्यू, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा रेवेन्यू, जबरदस्त जबरदस्त, और एफबीए फीसेस एक्सीलेंट, बहुत कमाल की फीसेस हैं, बहुत कमाल की, जबरदस्त, मजा आ गया। अच्छा हम लोग ना एफबीए फीसेस में ये देखते हैं कि 3-4 pounds वाली जो फीसेस होती है ना उनको हम ओके करते हैं, जहाँ 6, 5 और 10 आ जाए ना वो थोड़ी हमारे लिए कहें प्रॉब्लमेटिक होती है। अगर इनकी प्रोडक्ट में एफबीए फीसेस की बात की जाए तो बहुत थोड़ी थोड़ी लग रही है, 2-3, 2-3, एक बंदा ही है जो 4 फीस लगा के बैठा हुआ है, जिसके लिए अमेजोन ने फीस लगाई है 4, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत बड़ी बात है, इतनी कम फीसेस हैं, बहुत जबरदस्त है, इस कीवर्ड को अच्छे से संभाल के रखो भाई, इसमें मजीद काम हो सकता है, ठीक है, आगे भी देखते हैं। ये एफबीए की फीसेस जो इन्होंने अमेज़न ने इतनी कम शो की भी है, इसकी क्या रीजन हो सकती है, इसकी रीजन अगर प्राइस पे आप सब लोग गौर करें, सर ने स्टार्ट में क्या बोला था, एसएनएल एक बिजनेस मॉडल है, ठीक है, ये सारी प्राइसेस जो है एसएनएल में लाइक कर रही है, ठीक है, ये देखें 6.99, 5.98, हमने कहा था 7.99 से कम वाली जो प्रोडक्ट्स होती है ना उनको अमेज़न स्टोरेज फीस माफ कर देता है, सॉरी रेफरल फीस माफ कर देता है, तो अभी ये जो फीसेस यहाँ पे लगी हुई है ना ये स्टोरेज लगी हुई है, इसमें रेफरल फीस डेफिनेटली एड नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आप मैम ये देखें जो पहली प्रोडक्ट है 6.99 उसकी प्राइस है, उसकी फीस है 2.73, जो थर्ड प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है 5.98 लेकिन उसकी फीस ज्यादा 3.12, ठीक है, थोड़ी ही है ये, हालांकि होती है 5 से स्टार्ट होती है। एक मिनट मैडम, मैं इस चीज का जवाब दूंगा, असल ये देखें ये 6.99 इसकी फी कितनी है 2.75, ठीक है, अब यहाँ मजा देखें, ये 4.29 की है, ठीक है, और ये इससे भी ज्यादा ये दे रहा है, क्यों दे रहा है, वजह इसने, यही मैं इसी पे कंफ्यूज, जी जी जी, ये इसने, इस बंदे को नहीं आती एसएनएल में इनरोल करवाना, इसीलिए, वरना ये इससे भी कम इसमें बेच सकता है, ठीक है। एक और भी तरीका है जिससे मैं आपको बताता हूँ कि आप B2B करते हैं, उसी के अंदर पीएल में ही B2B करके आप ऑफर लगा देते हैं, उसके अंदर भी आपको मजीद एक सेंट, 2 सेंट, 3 सेंट आपको कम हो जाते हैं, ठीक है, रेफरल फी में कम हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। ये इस बंदे ने, मैं 100% कह सकता हूँ, इसने पहले इनरोल करवाया एसएनएल में, फिर इसको रेफरल फी भी माफ हुई है, ठीक है, और इस तरह, और इसको समझ नहीं आ रहा, इसने सिर्फ प्राइस पे फोकस किया है, प्राइस कम कर रहा है, जबकि प्राइस कम करने से इस तरह थोड़ी होगा, ये इतने में बेच सकता है, ये इतने में बेच सकता है और इसको इतनी ही प्राइस अमेजोन की फी लग सकती है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैं कॉम्पिटिशन करूँ, कैसे मैं रैंक करूँ, कैसे मैं बाय बॉक्स लाऊं, ये इसको समझ नहीं आ रहा। जी मैडम बिल्कुल, ये पॉइंट आपने सर बहुत अच्छा इधर हाईलाइट किया। अब यहाँ पे बात है कि जो बिल्कुल सिंपल वीए होता है ना, जो बिल्कुल सीधी सीधी वीए का कोर्स करके अमेज़न पे आ जाता है, वो सिंपल प्रोडक्ट उठा के लिस्ट कर देता है, चलो जी बेचना शुरू हो गए। जो खिलाड़ी होते हैं ना वो इस तरह जाके इनरोल करवाते हैं और वहां से जाके ये जो फीसेज है इनको माफ करवा के आते हैं। इंशाल्लाह आगे जाके हम आपको ये चीजें ट्रिक्स वगैरह भी सिखाएंगे। और दूसरा, अच्छा पूरी उसमें अमेज़न की मार्केट में सिर्फ हर बंदे को, जो आम न्यू भी बंदा होता है ना उसको भी ये समझ आती है यार फीस कम कर दो, वो अपना प्राइस कम कर दो, फीसेस कम हो जाएगी, भाई ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सिर्फ एनरोल वाली तो एक अलग बात है, एक और बी टू बी मैंने आपको बताई, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। उसके अंदर जरूरी नहीं है आप प्राइस को कम करो, वो ट्रिक मैं आपको दूंगा, ठीक है। चले जी, ओके हो गया, आगे चलते हैं। रेवेन्यूज का बहुत अच्छा है और फीसेस भी बहुत अच्छी हैं, एक और हाँ हाँ सर ये बी एस आर एफडी फीसेस हमने चेक कर ली, आगे अच्छा, जाना अच्छा, है। अच्छा। ठीक हो गया, यहाँ आ जाते हैं। ये रेटिंग है, ठीक है, रेटिंग ये वाली थोड़ी सी सही नहीं है, बाकी ठीक है। अच्छा वैसे मुझे लग रहा है कि इस प्रोडक्ट में जो है ना वो रिटर्न्स हो, ठीक है, रिटर्न्स हो। और ये देखें कैसे एकदम गिरा है, एकदम गिरा है ये बंदा, ठीक है। 4.6 से पहले के रिव्यूज इतने आते थे, अब इतने कम आ रहे हैं हर महीने, ठीक है। चले जी, रिव्यू काउंट की बात करते हैं, रिव्यू काउंट एक एक ही है सिर्फ। ये आपने क्या किया, ये रिव्यू काउंट आपको समझ नहीं आया? नहीं सर, एक्चुअली जंगल स्कॉट में यहाँ तो ऊपर का सब मेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ये मिस्टेक तो थी, लेकिन जंगल स्कॉट में ने जब चेक किया वहां पर रिजल्ट सही आ रहे थे। अच्छा, सेम वही प्रोडक्ट है, चलें देखते हैं। रिव्यू वेलोसिटी आपको समझ आ गई, ये सारी चीजें आ गई, एएमजी, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन है, गुड 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 गुड। अच्छा जी, ये ठीक है, मीट कर रहा है। और उसके अलावा रेटिंग एक और ये दो, ये तीन, ओके हो गया, ठीक, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, अच्छी प्रोडक्ट है, इसको संभाल के रखो दराज वराज में, ठीक हो गया, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसलिए वेरी वेरी गुड। थैंक्स मैम, लेकिन ये यहाँ पर वही अपॉर्चुनिटी स्कोर जो है वो आप इसको रखो, क्लाइंट को दिखाओ, समझ में आएगा तो ले लेगा, नहीं आएगा तो दूसरा दूसरे को ढूंढो भाई। पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर जी सर, मैं ये कहना चाहूंगी साफ दिख रहा है कि प्रोडक्ट अच्छी है, साफ दिख रहा है कि आप यहाँ पे मीटू करके बैठ सकते हो, हर बंदा घुसेगा इसके अंदर, क्या रह गया हाई कंपटीशन में, हाँ वो तो इसको छोड़ देगा, तो नहीं बस पैसे को देखेगा। बात देखें, जो मार्केट में बात है ना, बस उसी को लेके हर कोई भाग रहा है, दिमाग हमारा खुद का हमने यूज करना है, ठीक है। हाई कंपटीशन को देख के सीधे बंदे जो है वो भाग जाते हैं, क्योंकि मार्केट में यही बात है, हाई कंपटीशन वाले के साथ नहीं जाना। अब आप सब लोग यहाँ तक के वीए तो बन चुके हैं कि एक प्रोडक्ट का एनालिसिस कैसे करना है, आप खुद बताएं क्या ये अच्छी प्रोडक्ट है या गद्दी प्रोडक्ट है, क्या हमारी वायबिलिटीज पे बन सकती है या नहीं बन सकती। जी सर, जी मैम, बिल्कुल ठीक है ना, तो इसलिए अब इस पॉइंट पे कोई भी उलझे नहीं। मैम ये यहाँ पर कैटेगरी जो है होम एंड किचन है, जबकि इस ये पैट से फाइंड आउट की है मैंने। वैसे ये कैटेगरी बहुत अच्छे में आ रही है, और उसमें हाँ। आपने कैसे देखा है, फिर आप उसका मेन कीवर्ड निकालें। मेन कीवर्ड संभाल लें, यहाँ भी आपने ये होम एंड किचन निकाला, मेन कीवर्ड जी मैंने निकाल लिया, अपने पास ही सेव किया हुआ है। हाँ वो उसमें यही आ रहा होगा, होम एंड किचन, क्योंकि दोनों में जंगल स्काउट में भी यही आया है, आपके हीलियम 10 में भी होम एंड किचन आ रहा है, तो होम एंड किचन का ही प्रोडक्ट है, ठीक हो गया, ओके। बाकी इसका सर्च वॉल्यूम देखें, जबरदस्त 80,000, दिस इज ऑसम, जबरदस्त जबरदस्त। आसिया जी आपके लिए मैडम मैडम क्लैपिंग करना चाह रही हैं, आसिया पहली दफा बहुत अच्छी प्रोडक्ट, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाकर आई हैं, जबरदस्त। वो मैम आप कहती हैं ना कि हाथ सेट हो जाएगा, हाथ सेट हो जाएगा, तो वो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आप सब लोगों को कामयाब करे, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, जबरदस्त, ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट, अच्छा काम था, माशाल्लाह। असाइनमेंट 5 भी देख लीजिए, 5 भी है, अच्छा जी, इसको आपने 6 नहीं किया, 5 है, यही है 5 ये वाले, अच्छा ये असाइनमेंट चेकिंग ही आपकी वो ये समझ लीजिए क्लास के ही हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम आपको पढ़ा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, ठीक है, तो इसको असाइनमेंट वाली को भी इतना वो हल्के में आप नहीं लिया करें ना,
इसको थोड़ा सा मजीद आप अपने क्वेश्चन जो है वो क्लियर कर लिया करें, कोई बात नहीं, टीचर है अगर इंसल्ट भी करता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करें। चलें जी, सर्च वॉल्यूम 20 के है, ठीक हो गया। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आपकी लेस देन 500 है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सीपीआर इसका 100 में आ रहा है, वेरी गुड, ओके हो गया। ब्रांड डोमिनेशन नहीं है। जी जी, मेरा आसिया से क्वेश्चन है, अभी जो इनकी प्रोडक्ट की हम चेकिंग करके आए हैं, वहां इन्होंने मेंशन किया था सीजनल एंड ट्रेंडी, इन्होंने किस बेस पे किया? हमें कीवर्ड में सीजनल ग्राफ तो दिखा नहीं, इन्हें कैसे पता चला कि वो कोई चीज सीजनल प्रोडक्ट है? नहीं, मैम, वो एक्चुअली ये मैंने सिर्फ समझने के लिए यहां मेंशन किया है। नहीं मेंशन किया करें, हाँ, ये चीज ना किया करें, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपकी सीजनल थी ही नहीं, आपने मेंशन की थी कि सीजनल एंड ट्रेंडी, ये ना लिखा था। मैडम ने थोड़ी देर पहले आप सबको बताया है, आप सबके लिए ये बात है, सीजनल और ट्रेंडी हम पीएल के लिए कभी रिकमेंडेड नहीं करेंगे। कोई क्लाइंट आपसे पूछे भी तो आप उसको यही बताइएगा, सर क्या हो गया, अगर सीजनल चीज हम बेचेंगे, सर्दी में जो चीज चलती है गर्मी में नहीं चलती, तो सर्दी में सेल आएगी गर्मी में तो नहीं आएगी, फिर क्या करोगे आप? दुकान बंद करके तो नहीं बैठेंगे ना पीएल में, तो आपने लंबा चौड़ा बिजनेस करना होता है, इसलिए ऑल टाइम बिकने वाली प्रोडक्ट उठानी होती है। क्लियर, ओके हो गया। ट्रेंडी में कुछ ना कुछ हद तक आप आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते हैं, जब आप बहुत बड़े कोई वो बन जाते हैं ना 30 मार खान, फिर आप पीएल के लिए ट्रेंडी में घुसते हैं, अदरवाइज होलसेल इज गुड, ट्रेंडी फॉर एंड सीजनल, ठीक हो गया। चलें जी, उसकी भी मकसद है ट्रेंडी का कि भाई वो जो पहले बनती थी प्रोडक्ट्स जो के ट्रेंडी में, हम इसलिए भी घुसना चाह रहे होते हैं पीएल में कि हम इसको सस्ते से सस्ती सोर्स करवा के, ठीक है, और क्योंकि चूंकि ये प्रोडक्ट जो हम बनवाएंगे वो दूसरा अभी नहीं बनवा पाएगा, क्योंकि ये ट्रेंडी है, अभी नई न्यू लॉन्च आई है मार्केट में ही पहले दफा, ये रेवोल्यूशन ला सकती है, उस हवाले से फिर, लेकिन फिर आपके पास कम से कम 5000 प्रोडक्ट तो आप ऑलरेडी बेच रहे हो ना अमेजोन के ऊपर, आप इतने बड़े सेलर भी तो हो ना, अभी आपने एक प्रोडक्ट लगानी है उसमें आप ट्रेंडी और सीजनल, नहीं नहीं नॉट अ गुड आइडिया। जी बिल्कुल, आते हैं आप सब लोगों की तरफ आते हैं, ये बातें भी आप सब लोगों के लिए काम की हैं। मैडम प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। सर अजान स्टार्ट थी, ये बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही, ओके। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू ये अच्छा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके, गुड टू गो, जबरदस्त। और उसके बाद रेटिंग आपकी अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। और रिव्यूज की बात करें तो 1, 2, 3 जबरदस्त, जबरदस्त, जबर जबरदस्त, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। अच्छा जी, फीसेस ज्यादा हैं, ओके। अच्छा जी, फीसेस $14 बल्कि पाउंड, चले ये 40 रुपए की तो बेच रहा है, चले ठीक है। मजीद देख सकते हैं इसकी कैटेगरी, देखें इसको इतना आप कर लिया करें, बाकी को आप नेक्स्ट पे लगा लें, कोई इशू नहीं, सारे को एक ही पे आप ना लगाएं। अब यहाँ पे वो बता रहा है मीडियम डिमांड विद हाई कंपटीशन। अच्छा, आप सब लोगों से दरख्वास्त है, जैसे आप सब लोग माशाल्लाह जहीन हैं, अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त, वेरी नाइस, लेकिन लाइफ में किसी भी फील्ड में, ठीक है, अमेजोन नहीं, किसी भी फील्ड में आप किसी चीज को सीखें, बेशक सीखें, सुने बेशक सुने, ठीक है, लेकिन थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी देख लिया करें कि भाई अगर ये बोल रहा है तो क्या ऐसा है भी या नहीं है, ठीक है। अब यहां बता रहा है मीडियम डिमांड है, ठीक है, विथ हाई कॉम्पिटिशन है, अब आप भी तो देखें ना कि वाकई है या नहीं है, ठीक हो गया। चलें जी, ओके हो गया।
कैटेगरी आपने देख ली, वैसे तो छुपा ली है, अच्छा किया, स्टेशनरी है, अच्छा ठीक हो गया। 30 डेज का इसका सर्च वॉल्यूम ऑन अमेज़न बहुत जबरदस्त है, ऑसम है, ठीक है। 90 डेज का भी बहुत जबरदस्त है, ऑसम है, वेरी नाइस। मुझे लगता है आसिया गनी को गुस्सा आ गया, इसीलिए इतनी अच्छी प्रोडक्ट लेकर आ गई हैं। माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशंस, बिल्कुल बिल्कुल। इतनी मुश्किलों से अपॉर्चुनिटी फाइंडर से एक प्रोडक्ट मिली है, जबरदस्त जबरदस्त। नहीं नहीं मिलेंगी, काम करेंगे तो जरूर मिलेंगी, आखिर तो मंजिल आएगी ना भाई, जब घर से निकल गए हैं, मंजिल के लिए निकल गए हैं तो आखिर तो आएगी, कोई मसला नहीं, देर सवेर नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क, बहुत जबरदस्त। अच्छा, हम थोड़े से टीचर हैं भी ऐसे, जो काम करता है ना हम फिर खुश होते हैं, बाकी हमें बातें बातें नहीं चाहिए, दिस इज वेरी क्लियर। हाँ ओके, आसिया गनी का हो गया, वेरी गुड, अंबर जबी ओके हो गया, चलेंगे, दिस इज फिफ्थ वन राइट, फोर्थ वन थी इनकी, गुड हो गया। अच्छा ये भी नहीं लगी यहाँ पर, अंबर जबीन आपकी, आपने नहीं बनाई, नहीं सर है, मेरी ए वन पे है। ओके 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 ओके, ये रही चेक हो गई थी, सिक्स्थ राइट, ये now this one is 6-1 right, okay okay, acha amazon ka link laga rahe hain, bahut acha kaam kar rahe hain ye, theek hai, kyunki aage jaake fir humne jo jo aap ye screenshot laga rahe hain na, abhi to hum aapki baatein maan rahe hain, ha ji bilkul aisa hi hoga, aisa hi hoga, baad mein hum isko tool aapke samne chala ke isko dekhenge ki waqai aisa bhi hai ya nahi hai, theek hai, acha ji very good, एक्सीलेंट सजेशन एक्सपेंडर आपने इस्तेमाल किया, वो किधर है सजेशन एक्सपेंडर की स्क्रीनशॉट, कहाँ है सर? वो नहीं लगाई, वो मैंने ज्यादा ही छुपा दी। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया, ओके जबरदस्त, बस आपको समझ में आ गया तो बस ठीक है, सही है, तो ये नहीं छुपाया आपने, चले आधा काम किया आधा काम नहीं किया, चले जी गुड हो गया, 20,000 अच्छा हो सर्च वॉल्यूम है, वेरी गुड। Yes. और करंट जो है इसका 72% ऊपर जा रहा है, जबरदस्त 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 जबरदस्त, ओके लेट्स सी सर्च वॉल्यूम। अच्छा इसकी भी थोड़ी बहुत आप कर लिया करें, सीपीआर लेस देन, ठीक है, ऐसे करके 300 यस, लेस देन 100 थी, गुड गुड, ठीक है ठीक है, भले लिख लिया करें ना इस तरह से, नेक्स्ट टाइम लिखेंगे, हां ओके होगा। अच्छा क्लाइंट को बाद में भी हम आपको सिखाएंगे, क्लाइंट को ये वाले स्क्रीनशॉट भले आप नहीं दीजिए, अगर देते हैं तो फिर उसको सही से जो है ना हटा के। इस दफा आसिया का पैटर्न बहुत अच्छा था असाइनमेंट का, उन्होंने हर चीज ऐसे खुद लिखी है प्रेजेंटेशन में और सारे स्क्रीनशॉट हाइड किए हुए, तो उस पैटर्न को फॉलो कर ले तो ठीक रहेगा, ये जिस तरह सीपीआर मेंशन किए हुए थे जी, और उनका सर उस्मान का भी अच्छा था, उन्होंने भी लिखा था पूरा क्राइटेरिया के इस तरह है, राबिया की भी आज माशाल्लाह बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन थी, और ये कंपटीशन प्रोडक्ट जो है लेस देन है, ठीक है 1000 ओके हो गया। अच्छा जी सर्च वॉल्यूम ग्राफ 30 डेज ओके बहुत अच्छा है, अब जा रहा है हमें पहले ही पता चल गया था, गुड हो गया। 90 डेज ओ हो 5000 से भी कम था, अच्छा मजीद देखते हैं इसको थोड़ा, ओहो 60 से नीचे आया था ये बेचारा, 20 पे रुका था, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया ही, अब दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे इसकी कहानी, ये पूरा जुलाई का पूरा नहीं 15 दिन है मेरे ख्याल से, 20
जुलाई से 21 एक दिन का है, है नहीं एक दिन का किधर है, 2020 से 2021 पूरा साल का गैप है। चलें एक्सरे दिखाएं, एक्सरे इसका प्राइस में वायबिलिटी चले कहीं ना कहीं तो बना ही लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा इसका मंथली रेवेन्यू 1, 2, 3 मंथली रेवेन्यू 3 है, क्यों भाई? क्या नाम है आपका ये अंबर जबीन, ये 3 है ये इसके एक, सर मैंने तवज्जो ना उसके ऊपर दी है ये अपॉर्चुनिटी स्कोर की तरफ। अच्छा कि ये चले अब आप सब लोगों को कंफर्म हो गया कि ये इस तरह का होता है, ये पीले रंग को आपने देखा जाके ढूंढा, अच्छा किया। मैंने काफी कुछ अंडरस्टैंड मैंने कर लिया है कि किस तरह से गुड हो गया, ये ज्यादा मैटर करती है इससे, ठीक है ना? ओके ओके ठीक हो गया। लेट्स सी ये रेटिंग आपकी रिव्यू काउंट 50-18 बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिव्यू काउंट तो अच्छा है लेकिन ये बहुत जरूरी है, ठीक है? पैसा नहीं कमाएगा तो फिर प्रोडक्ट किस काम का, नीच किस काम की, ठीक हो गया। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ओके गार्डन एंड आउटडोर होगी, ठीक है। कैटेगरी एक्सरे बाय हीलियम 10, हीलियम 10 अभी तक आप वैसा ही लगना लेती हैं। चलें जी ओके हो गया, ये आपका ब्रांड, ठीक है। बाय बॉक्स, ठीक है। प्राइजें वगैरह कहाँ चली गई इसकी, ये देखें यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको इस तरह कर लेती ना, इधर कर लेती, ठीक है। MFN ज्यादातर MFN है, ज्यादातर MFN है, वही ना मैं मुझे गड़बड़ लगी इसमें प्रोडक्ट में। अच्छा ये इसका आधा है ना, क्या नाम है आपका अंबर जबीन, ये देखें, हाँ ये देखें चली गई, हाँ प्राइजेस वगैरह मेंशन होती है। हाँ नहीं ये यहाँ आ गई ना, ये वाला हिस्सा जो है ना इसको आप इस तरह यहाँ करेंगे ना तो वो प्राइस वाला पहले आएगा ऐसा, ठीक है। और कोई बात नहीं, हाँ ठीक है ठीक है, ये हाइड कर दिया करें, ओके हो गया। चलें जी मजीद हम क्या देखें इसमें, कैलकुलेशन आपने लगाई, वेरी गुड एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच सर, ये वेरी गुड गुड एफर्ट। इनका जो आप प्रेजेंटेशन देख रहे थे उसमें एक ब्रांड के आगे अनअवेलेबल लिखा हुआ था, NA, वैसे भी होता है कि अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी होती हैं? नहीं नहीं सवाल ही नहीं पता होता, नहीं ब्रांड तो होगा तो जाहिर, मेरा ख्याल है कोई सॉफ्टवेयर का कोई जी 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 हाँ जी जी टूल का प्रॉब्लम होगा, टूल का प्रॉब्लम होगा, ठीक हो गया। वो शुरू शुरू में 10-15 साल पहले इस तरह की कहानियां चलती थी अमेजोन के ऊपर, लेकिन अब वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है अमेजोन, ठीक हो गया। अच्छा जी कुरतलैन ने आज की असाइनमेंट, नहीं कुरतलैन नहीं ये अंबर जबीन थी मेरे ख्याल से, है ना अंबर जबीन, ये इन्होंने छठी कर दी है, ठीक हो गया। अच्छा जी तैयबा कह रही थी मेरी थर्ड असाइनमेंट फोर्थ असाइनमेंट वहाँ फाइव असाइनमेंट्स चेक कर लें, ओके हो गया। ये सेकंड हो गई थी, ठीक है ये सेकंड की है। अच्छा सेकंड से आप आगे भी बढ़ाएं, पांचवी छठी का सबसे लास्ट वाली चेक कर लीजिए जो लेटेस्ट है इनकी, उस पे सारे कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा इनके क्लियर हैं या नहीं, ठीक हो गया मैडम। टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो रहा है इसलिए सबसे लास्ट वाली फ्रेश वाली चेक की जा रही है ताकि हमें अंदाजा हो आपके कॉन्सेप्ट्स कहाँ। स्पेंडर ठीक है, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन माशाल्लाह, अब तो सब लोग प्रेजेंटेशन पर आ गए हैं, सिंपल कोई नहीं लगा रहा, एक्सीलेंट ठीक है। मेन कीवर्ड निकाला है इन्होंने, चले कोई बात नहीं आपने लगाया अच्छी बात है, लेकिन इसको आप छुपाना भी सीख ले ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मेन कीवर्ड आपने निकाल लिया इसका, वो आपने हाईलाइट करना होता है अगर निकाल लिया है तो, ठीक है कि उसका कितना एग्जैक्टली सर्च वॉल्यूम है। अच्छा यहाँ आपने लिख भी दिया, अब तो आप छुपा लें इसको, लेस देन 1000 ठीक है तैबा, वेरी गुड लेस देन 1000 ये कीवर्ड तो लिखा हुआ आ रहा है, कीवर्ड तो छुपा लें। चलें जी ये आपका टूल
सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसको आप देखें। अच्छा, मैं एक्सरे के बारे में सबको कहना चाहूंगी कि जब एक्सरे रन करना होता है ना, तो एक्सरे के नाम से सबको एक अलग से क्रोम बना के दिया गया है, तो कीवर्ड वहां पे लेके जाके अमेजोन पे एक्सरे रन कर दिया करें। वो जो एक्सरे है वो 24 घंटे काम करता है, वो ब्लर नहीं होता। तो जिसको कभी भी ब्लर का इशू आया ना, वो फौरन से पहले एक्सरे वाला क्रोम खोले जो मिस शमसा ने आपको बना के दिया हुआ है, ठीक है। विद इन 1 मिनट आपका ये काम हो जाता है फिर, ठीक है। अब आप ये मुझे बताएं, हम इस प्रोडक्ट को देखें या आपकी सेल्स और रेवेन्यू को देखें, और देखें तो कैसे देखें जी? तो ये बात अगर प्राइस को देखें तो 51.8% है मैडम। रेवेन्यू कैसे देखेंगे आप? नेक्स्ट चलते हैं। नॉट अवेलेबल, सब में नॉट अवेलेबल। अच्छा, रिव्यू वेलोसिटी भी नहीं आ रही। एक्सरे इनका उन्होंने सही लगाया नहीं है ना, सही से इंस्टॉल होता तो ये हो जाता। और रिव्यू काउंट ये देखें, ये क्या है, क्या नाम इनका, तैयबा, मिस तैयबा, ये आपको क्लियर नहीं हुआ अभी तक रिव्यू काउंट? जी तैयबा, तैयबा आप अनम्यूट हो जाए, आपको जो क्वेश्चन है आप पूछ सकती हैं। जी मैम, सर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन सर इतना टाइम लग रहा था, टूल वर्क नहीं कर रहा था, और मेरी असाइनमेंट ना फिर से रह जानी थी, तो बड़ी मुश्किल से मैंने एक ये निकाला, उसमें भी टूल प्रॉब्लम कर रहा था। और जो मेरी एक असाइनमेंट है ना, आप ये मुझे बता दें रिव्यू काउंट कितने होने चाहिए सर? क्या चीज रिव्यू काउंट कितने होने चाहिए सर? वो 250 होने चाहिए। 200 होने चाहिए जी सर। कितने लोगों के होने चाहिए सर? कम से कम 5 लोगों का तो क्राइटेरिया जो होता है वो मिलना चाहिए। 3 लोगों का मिनिमम, 3 इन 10 में से मिनिमम 3 लोगों के पास 200 होना चाहिए, ठीक हो गया? जी जी। कोई कंफ्यूजन है आपको इसमें मजीद? नहीं सर। ओके, गुड हो गया, चले। सर जो मेरी 5th असाइनमेंट है ना, उसमें भी जंगल स्कॉट जो था ना बहुत तंग कर रहा था, तो okay. मैंने वो कीपा वाली जो सेफ की थी ना उनको सर्च okay. करके उसके ऊपर वो एक्सटेंशन रन की है। गुड हो गया, ठीक हो गया, चले। एक्सीलेंट वर्क, जबरदस्त। मजीद जो है आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, चले। नेक्स्ट प्लीज। क्या नाम है इनका? अलीसा। ये बात थी ना, ये जी कॉपी पेस्ट, पेस्ट ये हो गया पेस्ट। अलीज़े 5th, दिस वन 6th, ओके। अच्छा, चीजों को सीखना भी एक आर्ट है, एक स्किल है, ठीक है। कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल कि आप लोग सीखना सीख गए हैं, वेरी गुड, जबरदस्त। एसएन आपने लगाया है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है आपकी। एसएन आप छुपा लिया करें, ब्रांड आप छुपा लिया करें, एक्सीलेंट, क्योंकि माशाल्लाह आपको समझ आ गया है कि किस तरह से आप ये ब्रांड डोमिनेशन देखते हैं, ठीक है। ब्रांड डोमिनेशन इसमें नहीं है, ठीक है। एसिन नेक्स्ट टाइम आप छुपा लें, ये छुपा लें, ठीक है। प्राइजेस की, ओहो, 3.5 pounds, चलें, लेट्स सी, पीएल है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। रिव्यू 12, 10, 8, 5, 6 और 17, वेरी गुड, ठीक है। 17 नहीं है ये, 1700 है, ओहो, ये 4000 है, 6000, 1, 2, 3, 4, 5, चलें, ठीक है, क्राइटेरिया को मीट हो गया, एक्सीलेंट, जबरदस्त। अच्छा जी, मजीद फीसेस भी इसकी, ये वाली ज्यादा है, क्यों, 17 का और ये बहुत ज्यादा है, हालांकि ये 12 की बेच रहा है, इसकी फी कम है, चलें, इसके साथ मसला होगा कोई, देखते हैं आगे। यहां तक तो अच्छी है प्रोडक्ट, एक्सीलेंट। रेटिंग
अच्छी है इसकी रेटिंग, ठीक है, एवरेज तो बहुत अच्छी है, ठीक है। अच्छा जी, रिव्यू काउंट 1 और 2, वाह गुड, 3 जबरदस्त, 4 जबरदस्त, 5 वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, जबरदस्त। हमारी वायबिलिटी है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमारे लिए जगह बन रही है, ठीक है। रिव्यू वेलोसिटी ठीक है, खास नहीं है, माइनस में तो नहीं है ना एटलीस्ट, ठीक है। ग्रॉसरी का आइटम है बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये पीएल है, पीएल है भाई। ओके लेट्स सी, बाय बॉक्स को भी छुपा लिया करें सब लोग, ठीक है। ओके हो गया। अच्छा स्टैंडर्ड पार्सल, ठीक है, एमएफएन 1, एमएफएन 2, एमएफएन, एमएफएन, ठीक है। अमेज़न एक दफा आया है, चले। डायमेंशन और वेट 3.64, 4.76, चले कहीं ना कहीं इसको देख लेंगे, लेकिन वेट ज्यादा है, ठीक है, वेट ज्यादा है। हमारी कहां पर वायबिलिटी बनती है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। कोशिश करें कि ये इनमें जो है ना 3 पॉइंट से ज्यादा ना हो, ठीक है। चले कैलकुलेशन आपने कर ली, ठीक है, ये आपने बता दिया आंसर 2.1। अब देखिए 2.1 मतलब आपकी जो है वो फीसेस अगर चार्ज होगी, अगर इस हिसाब से चार्ज हो गई तो फिर आप सोचें आपकी क्या अमेज़न की फीसेस जाके बैठेंगी, ठीक है। चलें गुड हो गया। सॉरी ब्रो, सर्च वॉल्यूम 20,000 है, ठीक है, डाउनवर्ड है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम इसका 30 डेज का अपवर्ड है, 90 डेज का अपवर्ड है, ठीक है, और 1 ईयर का भी अच्छा है, और ऑल टाइम का बहुत अच्छा है। 5,000 एक दफ़ा आया था 5,000 से नीचे, उसके बाद ऑल ओवर टाइम ऊपर ही रहा है 6,000 से, एक्सीलेंट, ज़बरदस्त,